सरकार द्वारा प्रतिदिन जनता के लिए जो भी निर्माण किया जा रहा है, वे वहां के अधिकारियों से मिलजुल कर भ्रष्टाचार के इस गंदे खेल में खत्म होता जा रहा है। मैं आपको बता दें, भ्रष्टाचार के कारण रोजाना गिरने वाली इमारतें, पुल आदि कितने मासूमों की जान लेती जा रही है, इसका अंदाजा शायद उन भ्रष्टाचारियों को नहीं है जो इस खेल का साथ देते हैं। इसके साथ ही सरकारी संपत्ति का नुकसान अलग होता है। ऐसा ही एक मामला उमरिया जिले के गांव महरोई का है, जहां ठेकेदार ने वेयरहाउस की गुणवत्ता की अनदेखी की है। ठेकेदार की शिकायत करने के बाद भी अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे अधिकारियों के साथ मिलजुल कर ही ये सारा खेल रचा जा रहा है। सारा काम केवल कागजों पर ही सीमित रह चुका है। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनाई जा रही वेयर हाउस भ्रष्टाचार की कहानी खुद कह रही है। ना तो कार्यस्थल पर लागत राशि का कोई भी बोर्ड बनाया गया है और ना ही अधिकारी का कोई भी नाम है। कार्यस्थल पर कार्य कर रहे मजदूरों से जब बात की गई तो पता चला 1.5 करोड़ की राशि से ये वेयर हाउस बनना है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है कि ये बनने से पहले ही गिर सकती है। और इतना ही नहीं, सरकार द्वारा जितनी कड़ाई से नाबालिग से काम करने पर रोक लगाई जा रही है, उतने ही धड़ल्ले से यहां नाबालिगों से कार्य कराया जा रहा है। इन बच्चों को भुगतान भी नहीं दिया जा रहा। जब हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से इस बाबत बात की तो वहां के ग्रामीणों ने बताया कि वेयर हाउस के निर्माण में घटिया सामग्री का बेधड़क प्रयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उस पर पानी जैसी आवश्यक तराई भी नहीं की जाती। ठेकेदार अपनी मनमानी पूर्वक गोदाम भवन का निर्माण कराकर चल देते हैं और सरकार का पैसा ठेकेदार और अधिकारी मिलकर खा जाते हैं। ग्रामीणों ने इसकी जांच की मांग जिला के मुखिया से की। जिला के लोकप्रिय कलेक्टर महोदय से जनता वेयर हाउस की जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। और इसका अनुपात क्या है रेशियो सीमेंट और गिट्टी का? सीमेंट का रेशियो है, मतलब सीमेंट कितना डालते हैं हम लोग? सीमेंट डालते 10 बैग इस पे डालते हैं। 10 बैग? हाँ, 8 बैग, 10 बैग। रेशियो उसका होगा 2:1 का, 2:3 का यार। देखो, 10 बैग सीमेंट लेते हैं, 5 बकेट रेता लेते हैं, 5 बकेट। अच्छा, इसकी प्रॉपर जो कंपैक्ट करना था इसको दबाना चलता, इसमें रोलर पानी भी पड़ता होगा, तबीयत डाउन है। हाँ, शायद सुनने में आया कि कोई बता रहा था कि पेटी पे दे दिया है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, इनको दिए हुए ना, जो काम कर रहे हैं मनोज विश्वकर्मा। कहाँ के हैं? जबलपुर। अच्छा, मनोज। और हमारे ग्राम पंचायत महरोई में ये वेयर हाउस शासन द्वारा स्वीकृत हुआ है, जिसमें जिस एस्टिमेट में काम करना चाहिए उस एस्टिमेट में काम नहीं हो रहा है, और जो कंक्रीट डालना चाहिए गुणवत्ताहीन कंक्रीट इसमें डाली जा रही है, और तराई की मात्रा बिल्कुल नहीं हो रही है, और यहाँ नाबालिग भी काम कर रहे हैं, और हम शासन से यही चाहते हैं कि यहाँ सही ढंग से काम हो, और जो एस्टीमेट में काम होना चाहिए, जो सीमेंट डालना चाहिए, जो कंक्रीट डालना चाहिए, जिस तरह की तराई होना चाहिए उस तरह की तराई और यहाँ उस हिसाब से काम होना चाहिए, हम शासन से यही चाहते हैं। हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर जिस मानक से काम निर्माण होना चाहिए तो वो मेन ठेकेदार कोई सडोल के हैं, वो पेटी पे कोई विश्वकर्मा जी को दिए हुए हैं। यहाँ कई बार हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया कि जिसमें जो विंग बनाई जा रही है उसमें न तो समय पर तराई की जा रही है, जो उसका चबूतरा का निर्माण हो रहा है उसमें सही तरीके से पानी डाल के IR भी नहीं चलाया गया, और कंक्रीट का रेशियो भी ऐसा लग रहा है कि उसमें कम अनुपात में सीमेंट डाली जा रही है। हम चाह रहे हैं कि प्रशासन इस पर नज़र करे। इतनी बड़ी लागत से बनाई जा रही वेयर हाउस का निर्माण गुणवत्ता विहीन ना हो। हमारा उद्देश्य ये है कि शासन की मंशा अनुरूप और एस्टीमेट के मुताबिक इस कार्य को होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर एक बहुत बड़ी लापरवाही की जा रही है, जिस पर प्रशासन से हमारी मांग है कि इस पर
त्वरित कार्यवाही निरीक्षण करके